इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर में ही हाइड्रोपोनिक तरीके से बगैर मिट्टी के माइक्रोग्रीन को लगा सकते हैं। ये जानने के लिए कि माइक्रोग्रीन को बगैर मिट्टी के हाइड्रोपोनिक तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाएंगे और उस लिंक पर हिट करेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा, और जब आप सब्सक्राइब करें तो जो बेल आइकॉन है उस पर भी हिट करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे पोस्ट हो तो वो आपको सीधे मिल जाए। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ कि कैसे आप अपने घर में ही माइक्रोग्रीन को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, पहले आपको बता देता हूँ कि माइक्रोग्रीन होता क्या है। हो सकता हो माइक्रोग्रीन टर्म को आपने पहली बार सुना हुआ है, लेकिन ये बहुत ही पुराना तरीका है और इसको कई लोग बहुत पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोग्रीन लगाने के लिए आप किसी भी लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कि खाया जाता है। तो माइक्रोग्रीन का फायदा ये होता है कि इसमें जो पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जब आप इसका खाने में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ओवरऑल हेल्थ को बहुत फायदा होता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने घर में बड़ी आसानी से माइक्रोग्रीन को लगा सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। तो मस्टर्ड के माइक्रोग्रीन लगाने के लिए सबसे पहले आप मस्टर्ड के सीड ले लीजिए। तो जैसे देख रहे हैं आप, मैंने इस ग्लास में लिए हुए हैं। इसको आप अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद करीब 10 से 12 घंटे पानी में भिगा के रख दीजिए। उसके बाद इसके जो बीज हैं या सीड हैं वो फूल जाएंगे। फिर आप इसको हाइड्रोपोनिक बास्केट है जहां पर हम माइक्रोग्रीन लगाएंगे वहां पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इस मस्टर्ड के सीड्स को करीब 10 से 12 घंटे पानी में भिगा के रख दिया था, और आप जैसे देख रहे हैं कि इस मस्टर्ड के जो सीड्स थे वो काफ़ी बल्ज भी हो गए हैं या फूल भी हो गए हैं। तो अब मैं इसको जो हाइड्रोपोनिक बास्केट है जहां पर हम इसके माइक्रोग्रीन लगाएंगे वहाँ पर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इस मस्टर्ड के सीड को हाइड्रोपोनिक बास्केट में ट्रांसफ़र करना है जहाँ पर ये आगे फिर ग्रो होता रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। तो मैंने इस सीड को एक छन्नी की मदद से छान लिया है और जिसमें एक्स्ट्रा वाटर था वो इससे बाहर निकल गया है। तो अब मैं इसको जो बास्केट तैयार है उसमें शिफ्ट कर दूँगा। तो इस मस्टर्ड सीड को फर्दर ग्रो करने के लिए मैंने एक बास्केट ली हुई है, और इसके ऊपर मैं जो एक जाली वाली बास्केट है उसको रखूंगा। जब मस्टर्ड के बीज में से जड़ें निकलने लगेंगी तब मैं जो नीचे वाला पोर्शन है बास्केट का उसको वाटर से फिल कर दूंगा, और साथ में जो कॉफ़ी वाली फर्टिलाइज़र है उसको इसमें लिक्विड फॉर्म में इस पानी में ऐड कर देंगे। तो ये ऊपर वाली बास्केट है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें जालियाँ बनी हुई हैं ताकि इसमें से रूट्स ग्रो हों। तो अब मैं जो स्ट्रेन करी हुई मस्टर्ड है उसको इस ऊपर वाली बास्केट में ऐसे फैला देता हूँ, तो फर्दर ये आगे इसमें ग्रो होने लगेगी। तो ये मैंने इसमें फैला दिया है इसको, और इसमें अब मैं दिन में 2 से 3 बार पानी का स्प्रे करता रहूँगा ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहे और ये बीज सूखे ना। स्प्रे करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी रूट्स अच्छी तरीके से ग्रो हों, और जब इसकी रूट्स ग्रो होने लगेगी तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें पानी ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करने के साथ ही इसमें
जो कॉफी का लिक्विड फॉर्म है वो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर रहता है, उसको यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो मैं इसको इवनली ऐसा स्प्रेड कर देता हूँ। तो अब ये तैयार है और इसको अब मैं शेड में रख दूंगा। इसको आपको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि धूप में जो सीड्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं। इसलिए आप भी जब इस तरीके से माइक्रोग्रीन लगाए किसी भी लीफी वेजिटेबल का, तो उसको शेड में ही रखें, और जब इसमें से अंकुरण या स्प्राउट होने लगेगा तब आप उसको धूप में ला सकते हैं, और जब उसकी पत्तियां आना शुरू हो जाएं उसके बाद आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको आप धूप में रख सकते हैं, जहां पर ये फिर तेजी से ग्रो होने लगेगा। फिर 8 से 10 दिन के बाद ये आपके खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको शेड में रख देता हूँ और इसमें करीब में 2 से 3 बार पानी का स्प्रे करूँगा दिन में। तो इस मस्टर्ड के सीड में अब स्प्राउटिंग होने लगी है, जैसे आप देख रहे होंगे। इसमें 1 दिन बाद ही इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। इस हाइड्रोपोनिक बास्केट में मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए आप दिन में इसमें 2 से 3 बार पानी का स्प्रे करते रहें, और फिर स्प्रे करने के बाद आप इस हाइड्रोपोनिक बास्केट को किसी क्लोथ से कवर कर दें, जैसे मैंने करा है। क्योंकि इस कपड़े या क्लोथ से कवर करने से इसमें जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है, और जो सीड है उसमें नमी बनी रहती है, और इसमें रूट्स या इसकी पत्तियां भी आना जब शुरू हो जाएंगी, फिर हम इस कपड़े को हटा देंगे, और कुछ पत्तियों के आने के बाद फिर इस हाइड्रोपोनिक बास्केट को 3 से 4 घंटे धूप में रख देंगे, ताकि पत्तियों या इस माइक्रोग्रीन प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। फिर साथ में हम इसमें कॉफ़ी का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो नीचे वाली बास्केट में ऐड भी कर देंगे। ये माइक्रोग्रीन इस हाइड्रोपोनिक बास्केट में बड़ी तेज़ी से ग्रो होगा करीब, और 8 से 10 दिन बाद फिर ये इसका प्रोड्यूस तैयार हो जाएगा, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस हाइड्रोपोनिक बास्केट में मस्टर्ड के माइक्रोग्रीन को रखे अब 2 दिन हो गया है। तो अब मैं इस कपड़े को हटा के बताता हूँ कि इसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, और साथ में मैं इसमें पानी का स्प्रे भी करूँगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियाँ आने लगी हैं, तो अभी ये येलो कलर में है, और बस ये 1 या 2 दिन बाद इसका कलर ग्रीन हो जाएगा और फिर ये तेजी से ग्रो होने लगेंगी। जब इन पत्तियों का कलर ग्रीन होने लगेगा तो मैं इसको फिर 2 से 3 घंटे धूप में रख दूंगा। तो अभी मैं इसमें पानी का स्प्रे कर देता हूँ ताकि इसमें मॉइस्चर बनी रहे, और इस पानी का स्प्रे करने के बाद मैं इसमें नीचे वाली जो बास्केट है उसमें कॉफी वाली जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको भी नीचे वाली बास्केट में ऐड कर दूंगा। फिर इसकी जो रूट है, जो लिक्विड रहेगा नीचे, वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेंगी, फिर ये तेजी से ग्रो होने लगेंगी। तो इस तरीके से इसको अभी बड़ा होने में और अभी 4-5 दिन लगेंगे, फिर आप इसका यूज़ किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं। तो अब मैंने पानी का स्प्रे कर दिया है और इसको मैं दोबारा फिर इस कपड़े से ढक देता हूँ। तो इस हाइड्रोपोनिक बास्केट में मस्टर्ड के सीड को रखे हुए अब 5 दिन हो गए हैं, और अब मैं इस कपड़े को हटा के आपको बताता हूँ कि जो सीड थे उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये करीब 2 इंच तक इसकी हाइट बढ़ चुकी है, और ये पहले येलोइश नज़र आ रहे थे और अब थोड़े ये ग्रीन होने लगे हैं। अब ये समय है कि इसको हम धूप में रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, जहाँ पर इसकी जो पत्तियाँ या लीव्स हैं और ज़्यादा हरी हो जाएंगी। जब भी आप माइक्रोग्रीन लगाएं अपने घर में हाइड्रोपोनिक सिस्टम में इसी तरीके से, तो उसमें दिन में 2 से 3 बार पानी देना ना भूलें, क्योंकि इससे नमी बनी रहती है। और मैंने नीचे वाली बास्केट में भी पानी डाल दिया था, और साथ में मैंने इसमें एक स्टील की नेल भी डाल दी है, ताकि इस
माइक्रोग्रीन में जो आयरन कंटेंट है वो ज्यादा हो जाए। ये जो स्टील की नेल है उसमें रस्ट लग के इसमें आयरन ऑक्साइड इस पानी में रिलीज हो जाता है और वहां से इसकी रूट्स इसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस कारण से इसमें आयरन कंटेंट भी ज्यादा हो जाते हैं। और साथ में मैंने कॉफी वाले जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसमें भी मैं इस स्टील की नेल का यूज करूंगा और जब मैं कॉफी वाली इसको दूंगा तो साथ में आयरन का जो फर्टिलाइजर है या आयरन कंटेंट है वो भी प्लांट या माइक्रोग्रीन प्लांट अब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे आप एक दो दिन बाद आप देखेंगे कि जो ये पत्तियां येलोइश दिख रही हैं ये पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएंगी और करीब 8 से 10 दिन बाद ये माइक्रोग्रीन आपके खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस हाइड्रोपोनिक तरीके से जिसमें हम माइक्रोग्रीन लगाएंगे उसमें मैं कॉफ़ी के लिक्विड का इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें मैंने एक पिंच भर कॉफ़ी ली है और इसको पानी में मैंने डिसोल्व कर लिया है और ये कॉफ़ी इस हाइड्रोपोनिक तरीके में जिसमें हम माइक्रोग्रीन लगा रहे हैं उसके लिए बहुत ही एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है और उससे इस मस्टर्ड ग्रीन के माइक्रोग्रीन को न्यूट्रिशन मिलेगा और इसकी लीव्स अच्छे से ग्रो होंगी। तो अब मैं इसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें एक चम्मच करीब मैं इस कॉफ़ी के लिक्विड को मिला देता हूँ और इसको ऐसे मिलाने के बाद मैं इसको अच्छे से डिसोल्व कर दूंगा इसमें और फिर वापस इस ऊपर वाली बास्केट को इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में दोबारा रख दूंगा। तो इस तरीके से इसमें जो रूट्स निकल रही हैं नीचे इस बकेट्स में वो इस पानी में मर्ज्ड हैं और वहाँ से ये न्यूट्रिशन अपने ग्रोथ के लिए ले लेंगी इसकी रूट्स और फिर लगभग एक कुछ दिनों में ये खाने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। तो आप चाहें तो किसी भी लीफी वेजिटेबल के प्लांट को ऐसे माइक्रोग्रीन लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें मस्टर्ड ग्रीन का इस्तेमाल करा है। तो जैसे देख रहे हैं आप मैंने इसमें हाइड्रोपोनिक तरीके से इस बास्केट में मैंने इस मस्टर्ड ग्रीन को लगाया है और अब ये लगभग 5 दिन का हो गया है इसका प्लांट और आप चाहें तो इसको अभी भी खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं जब इसमें करीब 3-4 पैर पत्तों के आ जाएं तब आप इसका इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं और लगभग ये तैयारी हो गया है और आप चाहें तो इसको 6 से 7 दिन में इसका इस्तेमाल अपने घर में सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहती है, विटामिन्स रहते हैं और मिनरल्स रहते हैं और इसका हेल्थ में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी इसको पूरा अब्जॉर्ब कर लेती है और क्योंकि ये हाइड्रोपोनिक तरीके से लगा हुआ है आप चाहें तो अन्य लीफी वेजिटेबल्स हुई जिसका कि पत्तों का खाने में सेवन किया जा सकता है उसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरे लीफी प्लांट्स को कैसे माइक्रोग्रीन में ग्रो करना है उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा और ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आपको घर में ही कई न्यूट्रिशियस सब्जियां मिल जाएंगी और इससे आपकी हेल्थ को बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि इसको इस्तेमाल करने के लिए जब इसके स्प्राउट्स करीब 1 से 2 इंच के हो जाएं तब या फिर इसमें जो लीव्स आती हैं वो 3-4 पैर में आ जाए तब आप इसको इसका यील्ड ले सकते हैं और सब्जियों में या कई तरह की रेसिपीज में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप माइक्रोग्रीन को हर दिन के इस्तेमाल के लिए लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ अलग अलग बास्केट्स में अलग अलग दिन के लिए जो मस्टर्ड है उसके सीड्स को भिगा कर फिर जब वो स्प्राउट हो जाए तो अलग अलग बास्केट में रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अन्य सब्जियों के माइक्रोग्रीन लगाइए और इसकी खास बात है कि इसको आप 12 महीने ले सकते हैं। दूसरी सब्जियों में आप स्पेनेच, फेनिग्रीक, रेडिश या अन्य कोई भी जो लीफी वेजिटेबल हैं उन सबको आप माइक्रोग्रीन
की तरह लगा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी इसमें उपलब्ध न्यूट्रिशन है वो प्लांट में, इसके रूट्स में और इसकी शूट्स में, उसका फायदा आप ले सकते हैं। तो अब ये माइक्रोग्रीन यूज करने के लिए तैयार है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको आप रूट सहित भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, क्योंकि इसकी लीव्स में भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और साथ ही जो रूट्स रहती हैं उसमें भी कई मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसका यूज़ करते हैं खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को फ़ायदा पहुँचाती है माइक्रोग्रीन। और अब मैं इसको किसी रेसिपी में इस्तेमाल करूंगा। तो आप भी इसी तरीके से माइक्रोग्रीन को आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं, और इसकी खास बात है कि आप इसको 12 महीने लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें मस्टर्ड ग्रीन का यूज़ करा था, आप चाहे तो इसमें रेडिश, स्पेनेच, फेनुग्रीक या अन्य जो भी लीफी वेजिटेबल हैं उसके भी माइक्रोग्रीन इस तरीके से, तो किसी भी अन्य लीफी वेजिटेबल के माइक्रोग्रीन को आप घर में ही हाइड्रोपोनिक तरीके से लगा सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल अपने डेली खाने में कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये माइक्रोग्रीन लगाने वाला तरीका आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर जरूर कीजिए, ताकि माइक्रोग्रीन को कैसे लगाया जा सकता है उस वो ये जान सकें। मैं फिर मिलूंगा किसी और जानकारी के साथ, तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।